हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 7:15 हो गया इस समय और हवा चल रहा है। मौसम कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, धूप लग रहा है, उगेगा लेकिन पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, देखते हैं, पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हवा ज़्यादा चल रहा है, पूरे रात हवा चल रहा है, जिसकी वजह से धुंध तो नहीं है लेकिन ठंडा लग रहा है। तो अभी मैं आज लगभग 7:45 उठा, तो अभी छत पे हूँ। और दोस्तों अभी चलते हैं सरिया की तरफ। अभी 7:15 हो रहा है तो माल सरियाया हुआ है, थोड़ा बहुत सरियाने का सरियाएंगे, उससे पहले भी चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं सरिया की तरफ से। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इधर, जिधर आता हूँ सुबह सुबह घूमने प्रतिदिन। तो इस समय का व्यू देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, अभी 7:45 हो गया है, वीडियो अपलोड नहीं हुआ था तो करने आना पड़ा है। तो चलिए वीडियो अपलोड होने ही वाला है, मस्त 10 मिनट में हो जाएगा। तो अभी समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, और देख सकते हैं इधर सूर्योदय होने वाला है, वो साइड में हो गया है सूर्योदय पूरी तरह से फ्रेश है, लेकिन इधर जो है ना इधर बादल लगा हुआ है, इधर अंधेरा जैसे। तो चलते हैं थोड़ा सा और रुकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद में चलेंगे घर पे। तो अभी आ गया हूँ घर और आज मुझे चलना है, ए श्रवण की मम्मी को ऑपरेशन है, ऑपरेशन करवाना है, तो आज चलेंगे 10:30 बजे से। तो अभी ये नहाने की तैयारी कर रही है, नहाने जा रही है, तो चलेंगे 10:30 बजे से, देखते हैं क्या होता है। सूती साड़ी रहिए, ठीक रहिए सर। 90 है, 90 है। हाँ तो सर हवा दे रहे थे पहले, तो अगर ये से तो अभी मैं स्नान स्नान कर लिया हूँ और अभी खाना खाते हैं। देख सकते हैं साग है, सब्जी है, चावल है, तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे हॉस्पिटल में, फिलहाल खाना खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल में, और चलते हैं, पहले तो वहाँ पे चल के नंबर लगाना पड़ेगा। अभी लेकर चल रहे हैं सरवण की मम्मी को, फिर माई को लेकर आएंगे इसको रख करके, क्योंकि एक बार में दोनों आदमी नहीं जाता है, छोटा सीट है इसके वजह से। चलते इसको छोड़ के आएंगे, पहले माई को लेकर चलेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। दोस्तों अभी कृष्णा की मम्मी को छोड़ दिए हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ले गए हैं, तो अभी माइक को लाने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आधार कार्ड और पासबुक मंगा है साथ में, चलते हैं दोस्तों लेकर के आते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं और अभी मैं पर्ची कटा लिया हूँ, पर्ची नाम लिखाने का 2 रुपये लगा है, तो अभी आशा का वेट कर रहे हैं, आशा आने वाली है, तो अभी वो भी घर पे ही है, तो आ रहे हैं, तो उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है, तब तक हम लोग उनका वेट करते हैं। यही हॉस्पिटल है दोस्तों, देख सकते हैं बाहर से इस तरह का व्यू है। मैं नंबर लगा दिया हूँ, टाइम दोस्तों अभी हो गया है 12 बजने वाला है, तो अभी नंबर वंबर लगा दिया है और थोड़ा सा अभी वेट करते हैं। यहाँ से थोड़ा चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं किस तरह का है, तो देख सकते हैं अभी मैं 3 मंजिल पे हूँ, 2 रास्ता है नीचे उतरने का दोस्तों, एक है स्लोपिंग वाला और एक है सीढ़ी वाला, सीढ़ी वाला उस साइड में। तो यहाँ से देख सकते हैं व्यू, और सामने गर्ल स्कूल कॉलेज है, और इसका इस प्रकार का व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं ससौला हॉस्पिटल सूपी एड्रेस। तो दोस्तों इस साइड का व्यू देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का है, गांव इलाका है। और दोस्तों अब इस समय से 12 बज रहा है, इस समय से लेकर के पूरे दिन पूरे रात यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। अभी थोड़ा देर में डॉक्टर साहब आएंगे तो चेक उक होगा, उसके बाद में शाम को जो है ना स्टार्ट होगा ऑपरेशन। लगभग 15
लेडीज़ है ऑपरेशन कराने वाली, तो हमारा नंबर 5 नंबर में है। तो चलिए वेट करते हैं, रुकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर्म वॉरम भरा गया और अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा घर से घूम के आते हैं क्योंकि सब गोरा माई और सरवण भाई तो यहीं आ गया, सरवण और कृष्णा घर पर ही है। तो चलते हैं उसको देख करके फिर आएंगे। अगर फ़ोन आ जाएगा तो आ जाएंगे पहले, अगर कोई बात होगा तो फ़ोन आएगा तो आएंगे। फ़ोन दे दिए हैं सरवण की मम्मी को और अभी चलते हैं घर पे। मैं उधर ही था, एक आदमी के यहाँ पैसा बाकी था, तो पैसा मांगने चला गया हूँ। तो 550 था तो 200 रुपया दिया है, 350 रुपये बाकी रह गया। और आ रहा था मांग करके तो इधर सरवण की मम्मी भी आ गया अभी, तो ऑपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि वो बोल रहा है पूछताछ किया है कि पहले कभी ऑपरेशन हुआ है। तो इसको पहला हुआ है ना सरवण हुआ था, उसका जन्म हुआ था तो ऑपरेशन हुआ था 12 ऑपरेशन। तो वो बोलता है कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, कि ऑपरेशन किया हुआ कि नहीं होता है, जिसका नहीं हुआ है कभी उसको ऑपरेशन होता है। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और प्राइवेट से कराना होगा ऑपरेशन। तो चलिए अभी आ गए घर है दोस्तों, टाइम अभी हो गया है लगभग 2:30 बज रहा है अभी। इधर जो है ना एग्जाम हो रहा है, खाना है, खाना देखा। तो अभी मैं चलता हूँ इधर, दिखाते हैं आप लोगों को बैठ। रामधुन हो रहा है और 22 तारीख को हुआ था ना रामधुन, तो उसी में का जो पैसा उभरा हुआ था तो उसी का हो रहा है एग्जाम, बचा हुआ पैसा चंदा। सरवण का सरवण अलग मम्मी, अलग मम्मी है कृष्णा, मम्मी अलग, मम्मी मम्मी अलग है मम्मी। तो अभी शाम के 5:30 हो रहा है और इस समय मैं आया हूँ श्रेय की तरफ घूमने। और दोस्तों इस समय का व्यू मज़ेदार है दोस्तों, मज़ा आ गया घूमने में इस समय, क्योंकि हवा तो चल ही रहा है, ठंड थोड़ा थोड़ा लगता है लेकिन हरियाली देख करके मज़ा आ गया है दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह का व्यू है, पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल चलते हैं, घूम लिया बहुत अंदर तक गया था और सुबह भी आता हूँ इसी तरफ, क्योंकि हमारा जब घर पर रहते हैं तो इधर ही हमेशा आना जाना लगा रहता है काम के लिए या घूमने फिरने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी घूम लिया, अभी चलते हैं दोस्तों सीधे घर पे। मम्मी कहती सब्जी ले ले, दोस्तों अभी टाइम हो गया लगभग 6:30 हो गया है शाम को, अंधेरा हो गया है और दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं। देख सकते हैं रोटी सब्जी, आलू गोभी का सब्जी है, रोटी है तो खाते हैं। बढ़िया से कमाओ कराओ, ऑपरेशन बाद में कहिया कहिया अगला महीना के पुष में, हाँ जनवरी में अगला महीना ना, हाँ जितना जल्दी हो उतना ठीक। ऐसा का कमी है अभी समझ के, मैं तो कमाऊँ कमाऊँ तो पहले कर्जा सुधारता हूँ, मैं तो कमा के सुधार हूँ, वो पहले सुधारता मुझे सुधार के जल्दी करना। कौन कहता था साथ से आने ऊपर दिल्ली से मिलता सुकिंदर का क्या बैठे से 6-7 हज़ार 8 हज़ार ले लगते दवाई खर्चा पूरा लगा के वाला है तो ना इतने में हो जाते तो ना। अब ऊपर ले अति भाव जाइए मुझे कहते लेके अति 4-5 हज़ार लगते 4-5 तो दोस्तों हम लोग मैं अथी कहल वो फिर कह लिए से वहाँ के आस से पूछिया से होते कि ना, तो अच्छा ठीक है पूछ के हम बताए।
तो दोस्तों जिस काम के लिए आज मैं छुट्टी किया था वो काम हुआ भी नहीं है, क्योंकि मना कर रहे हैं डॉक्टर व सरकारी अस्पताल का कि एक बार जिसका ऑपरेशन हो गया है उसको नहीं होगा, जिसको नहीं हुआ है एक बार भी उसका ऑपरेशन होगा। इसलिए कैंसिल हो गया था, हम लोग आ गए हैं और प्राइवेट से कराने में कितना खर्चा आएगा, तो कोई बोल रहा है 5,000, कोई बोल रहा है 7,000, कितना लगेगा हमको पूरा था भी नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कीजिए कितना लगेगा प्राइवेट से ऑपरेशन कराने में बच्चेदानी का। बच्चा बंद होने वाला। तो चलिए अभी तो हम लोग आ गए हैं और अभी चलते हैं सोने। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। हम कहते हैं बाय बाय। बाय बाय बोल दो। बाय 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 बाय। बस चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह।